करेंगे अब सियासी खबरों की। लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है, दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक ले रहे हैं। आपको बताएं कि राहुल गांधी, मुकुल वासनिक भी मौजूद हैं, अजय माकन, अजय कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है। जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी दोनों शामिल होने पहुंचे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी कांग्रेस के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मकसद है लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बातचीत, मंथन। चलिए सीधे अब आपको दिल्ली लिए चलेंगे। सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, एक तरफ लोकसभा चुनाव की रणनीति और मुझे याद है कि आपकी तरफ से भी जिक्र किया गया था कि भारत न्याय यात्रा को लेकर भी बात होनी है, अपडेट क्या कुछ है? देखिए, करीब 11 बजे से बैठक चल रही है और यहाँ पर अभी मंथन जारी है कि अहम लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं। साथ साथ ये भी कांग्रेस अध्यक्ष, जो अपने प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश की इकाई है, उनसे जानना चाह रहे हैं कि जहाँ पे हमें गठबंधन करना है तो वहाँ पर हम किस दल के साथ कितनी सीटों का बंटवारा करें। तो दो महत्वपूर्ण बातें आज की इस बैठक में तय की जा रही हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। एक तो ये कि हम कितनी सीटें अपने गठबंधन जो सहयोगी हैं उनको देंगे, और दूसरा रणनीति क्या रहेगी, किन मुद्दों को लेकर हम जनता में जाएंगे। और खासकर अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जिस करारी हार से कांग्रेस को रूबरू होना पड़ा है, उसका अब ऐसा ना हो, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हो उसमें ऐसी स्थिति न बने, उसके लिए भी फोकस किया जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि हम किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएं और अपने साथ जनता को जोड़ें। जो उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है उसको कैसे मजबूत किया जाए। इसी बैठक में दोनों राज्यों के प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह, मध्य प्रदेश के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष और CLP दीपक बैज, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो सब यहाँ बैठे हैं और वो अपनी राय भी दे रहे हैं कि हमें जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाना चाहिए, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनसे जनता बिल्कुल कठिन दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए। 9 राज्यों में गठबंधन करना इतना आसान होगा नहीं। अशरफ, बहुत शुक्रिया। और इंदौर के रणजीत हनुमान की आज परंपरागत तरीके से उल्लास के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। स्वर्ण रथ में बाबा की विक्रय प्रतिमा नगर भ्रमण पर निकली। प्रभात फेरी में अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रभात फेरी में लाखों भक्त शामिल हुए, ढोल नकाले, गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ प्रभात फेरी निकली। रणजीत अष्टमी पर 138 सालों से प्रभात फेरी निकाली जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रणजीत हनुमान मंदिर से द्रविड़ नगर चौराहा अलग अलग मुख्य मार्गों से होते हुए वापस हनुमान मंदिर पहुंची। तस्वीरें उत्साह से भर। उधर देवास में श्री खेड़ापति सरकार नगर भ्रमण पर निकले हैं और यहां हर साल भगवान अष्टमी पर भव्य आयोजन होता है। धूमधाम से प्रभात फेरी यहां पर भी निकलती है। श्री खेड़ापति सरकार भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। इस प्रकार की आस्था लेकर प्रभात फेरी में लाखों भक्त शामिल होते हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देवास की, इंदौर में भी यही नजारा आपने देखा। देवास में भी इसी प्रकार से प्रभात फेरी आज निकाली गई। एक मिनट भाई साहब, और आइए अब देखेंगे टॉप 20।